आज की बस जर्नी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि सफर होने वाला है पहाड़ों का। सर अभी हमारा मुंह मीठा यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि आज फर्स्ट रन है दिल्ली से। कौन गाना चाहेगा? ये खाने वाली लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है बादल बिल्कुल नीचे ही आ गए। तो मैं अभी खड़ा हूँ धर्मशाला स्काई वॉक के सामने, तो सोचा कि एक बार स्काई वॉक भी ट्राई कर लेते हैं। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम सौरव राजपूत ऑफ रियल एडवेंचर। गुड इवनिंग फ्रॉम कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। सो पेश है एक और नया सफर, एक और नई बस जर्नी, और आज की बस जर्नी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं सफर करने वाला हूँ बेदी ट्रैवल की नई नवेली वॉल्वो 9600 सेमी स्लीपर बस में। और इस बस की खास बात यह है कि ये बस है इंडिया की पहली वॉल्वो 9600 सीरीज की मल्टी एक्सल यानी 15 मीटर लेंथ वाली बस। इससे पहले आपने जितनी भी वॉल्वो 9600 की सेमी स्लीपर बस देखी होंगी, वो सारी बाई एक्सल यानी 13.7 मीटर लेंथ वाली बस देखी होंगी। तो सफर है खास, क्योंकि सफर है बेदी ट्रैवल की नई नवेली वॉल्वो बस में। और आज सफर और ज्यादा खास हो जाने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि सफर होने वाला है पहाड़ों का, और पहाड़ों में कहाँ का? हिमाचल प्रदेश धर्मशाला का। तो जर्नी डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से धर्मशाला का डिस्टेंस है करीबन 480 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट है। और इस जर्नी को तय करने के लिए बेदी ट्रैवल की इस वॉल्वो में हमने जो किराया पे कराया वो है करीबन 800 रुपये। बस की टिकट मैंने बुक करी है बेदी ट्रैवल की ऑफिशियल वेबसाइट से। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो बस का फेयर होता है ना, वो डायनामिक होता है, क्योंकि अक्सर आप मेरे से कंप्लेंट करते हो कि यार आपने फेयर कम बताया था, हमें ज़्यादा पड़ गया। तो बस का जो फेयर होता है बेसिकली वो डायनेमिक होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो आप बेदी ट्रैवल की साइट पर चेक कर सकते हैं। बाकी बेदी ट्रैवल की वेबसाइट के अलावा रेड बस, अभी बस, पेटीएम यात्रा, दुनिया भर के लीडिंग प्लेटफॉर्म पर इनकी बस अवेलेबल है, तो कहीं से भी आप बुक कर सकते हैं। तो सफर खास होने वाला है, क्योंकि सफर है एक तो नई नवेली वॉल्वो में और ऊपर से पहाड़ों का। और टाइम हो रहा है अभी शाम के 6:30, बस हमारी रवाना होगी मजनू का टीला से रात 8:30 बजे, और धर्मशाला हमें पहुंचा देगी सुबह 8 बजे के आसपास, तो पहुंचा ही देगी। तो चलिए जी, पहले यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें करते हैं मजनू का टीला पहुंच के, क्योंकि आज दिल्ली में बढ़िया वाली बारिश हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि जाम में हम फंस जाए और मजनू का टीला पहुंचते हुए लेट हो जाए। वैसे टाइम भी काफी है, अगर अभी भी लिख लूंगा तो आसानी से पहुंच जाऊंगा। तो चलिए जी, पहले मजनू का टीला पहुंचते हैं और बाकी बातें करते हैं वहां पहुंच के। तो जी, मैं अभी पहुंच गया हूँ मजनू का टीला बेदी ट्रैवल के बोर्डिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे बच्चों की झील पड़ती है, तो जस्ट उसके सामने ही बेदी ट्रैवल का बोर्डिंग पॉइंट है। बाकी यहाँ तक आने में काफी टाइम लग गया, करीबन 50 मिनट के आसपास लग गया, क्योंकि जाम काफी लगा हुआ था, बारिश हुई थी, तो ऑब्वियसली बात है कि जाम लगना ही है। यूजुअली मैं आपको बस का रूट बताता हूँ, लेकिन आज घर से निकलने का रूट भी बता देता हूँ। करमपुरा से जगीरा, जगीरा से इंदरलॉक, शक्तिनगर, कमला नगर, मौर्य नगर, और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला एरिया पड़ता है, फिर मैं पहुंच गया हूँ मजनू का टीला। और जस्ट मेरे सामने यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है सिग्नेचर ब्रिज, एक मिनट को आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने देखो, ये जो खूबसूरत सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, यही है दिल्ली का फेमस सिग्नेचर ब्रिज। और यहाँ मजनू का टीला में ना काफी सारे फेमस कैफेज भी हैं, जहाँ के टेरिस से आप इस सिग्नेचर ब्रिज के अच्छे अच्छे नज़ारे ले सकते हैं। तो मजनू का टीला अपने कैफेज के लिए भी काफी फेमस है। बाकी बस ऑलरेडी यहाँ पे लग चुकी है, तो मैं यहाँ से करूंगा बस में बोर्ड और निकलूंगा धर्मशाला की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं एक और बेहतरीन बस जर्नी फ्रॉम कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली टू धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की। तो ये फाइनली बस में बोर्ड कर लिया है। सीटिंग कॉम्बिनेशन की बात करें तो 2x2 का सीटिंग कॉम्बिनेशन एज यूजुअली आपको देखने को मिल जाता है, जो कि और भी काफ़ी सारी वॉल्वो में हमने आपको दिखाया हुआ है। और आप ऊपर से बैलून्स देख रहे होगे, क्योंकि कल ही इस बस का इनॉग्रल रन हुआ है धर्मशाला से। और हम वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने सोचा कि भाई साहब दिल्ली से आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे, ताकि जब मॉर्निंग हो ना तो पहाड़ों वाले नज़ारे आप देख पाएँ। ऊपर ओवरहेड लगेज कंपार्टमेंट वॉल्वो 9600 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है पहले से, क्योंकि काफ़ी स्पेस यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें छोटे मोटे बैग, मीडियम टाइप के बैग भी आपके आ जाते हैं। बाकी जो मेन बैग है वो आते हैं आपके नीचे बने मेन कंपार्टमेंट में। सारी सीट्स रहती है पुश बैग, बटन यहाँ से दबाइए और सीट को पुश बैग आप बना लीजिए। यहाँ पे सीट होल्ड करने के लिए हैंडल है, सीट बेल्ट है, यहाँ पे USB टाइप चार्जिंग पोर्ट है, और यहाँ मिल जाता है आपको थाई रेस्ट, फुट रेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वाटर बॉटल होल्डर, मैगजीन रैक, क्लिप हैंगर,
और इधर मिल जाता है सीट को होल्ड करने के लिए हैंडल। बाकी आप देख रहे हो कि बेदी ट्रेवल्स की तरफ से ब्लैंकेट की सुविधा भी बस में दी गई है। हर सीट के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं एसी ब्लोर्स, रीडिंग लैंप। बाकी इधर मौजूद है एक इमरजेंसी एग्जिट, एक इधर और एक पीछे की साइड आपको देखने को मिल जाता है। यूजुअली वॉल्वो 9600 स्लीपर बस में जो ये इमरजेंसी एग्जिट आता है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में देखने को मिलता है, बट क्योंकि ये पहाड़ों में चलना है तो फिर उस वजह से यार वो ट्रांसपेरेंट वाला नहीं दे सकते, क्योंकि ऊपर ग्लास होता है तो भाई छोटे मोटे पत्थर भी गिरे तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी इधर एक टीवी स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, टाइम प्ले स्क्रीन यहाँ पे दी गई है, सीसीटीवी की सर्विलेंस मौजूद है। और वैसे तो ऊपर इमरजेंसी एग्जिट दिया गया, लेकिन जितनी भी विंडो रहती है ना सभी इमरजेंसी एग्जिट के साथ वॉल्वो में दी जाती है, जैसा आपको ऑलरेडी पता है, हमने सारी वीडियोस में आपको बता रखा है, क्योंकि यहाँ हैमर आपको देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इमरजेंसी एग्जिट इमरजेंसी के टाइम पे कर सकते हैं। तो जी टाइम हो गया 8:35 और बस अपनी रवाना हो चुकी है मजनू का टीला से। देखो बारिश दिल्ली में ज़रा सी होती है लेकिन जाम भाई साहब पूरा पूरा लग जाता है। खैर ये तो एरिया भी जाम वाला है क्योंकि अभी हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट और यहीं रहने वाला है अपना दूसरा बोर्डिंग पॉइंट भी। बाकी आज हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? बसेस क्लिक जर्नी भी देखे एंड भाई साहब आपके चैनल का नाम MK Vlogs। तो देखो काफी टाइम से प्लान कर रहे थे कि भाई साथ में जर्नी बने 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 नहीं बन रही थी, लेकिन अब इतनी बैक टू बैक बननी है, लास्ट जर्नी भी साथ में और ये वाली भी जर्नी साथ में है। नहीं बस है तो हाँ तो मेन बात है कि आज बेदी ट्रेवल्स की इस वॉल्वो को कवर करने के लिए आए हैं। धर्मशाला से चली थी जैसे मैं आपको बता रहा था, लेकिन हमने चूज करा कि दिल्ली से करते हैं क्योंकि सुबह सुबह ताकि आपको पहाड़ों के नज़ारे दिखा सके। और बेसिक एमिनिटीज की बात करें तो एक ब्लैंकेट हमें बस में प्रोवाइड करवाया गया है बेदी ट्रैवल की तरफ से, उसके अलावा हमें एक 500 ml की वाटर बॉटल भी दे दी गई है। तो ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो ना, इसके जस्ट नीचे है यमुना रिवर, जो अंधेरे में आपको नहीं दिख पा रही होगी, बट यहाँ से घूम के अभी हम वापस जाएंगे मजनू के टीले की तरफ। और ये सामने आप जो देख रहे हो ये है कश्मीरी गेट ISBT। तो जैसा आपको बता रहा था कि अभी बस यहाँ से वापस घूमी है और जा रही है मजनू के टीला की तरफ। तो अभी हम दोबारा मजनू का टीला आ गए हैं और ये सामने आप जो गुरुद्वारा देख रहे हो ये है गुरुद्वारा मजनू का टीला। तो जी टाइम हुआ 9:21 और बस अभी अपनी पहुंची है मजनू का टीला चर्च के सामने। तो अगर आप यहां से बोर्ड करना चाहें तो यहां से भी बस में आप बोर्ड कर सकते हैं। तो पैसेंजर अगर अभी यहां से करेंगे बोर्ड और फिर हम करेंगे सफर को कंटिन्यू। तो मजनू के टीले पे बना ये फ्लाईओवर देखो, इसके साथ में लाइट चलती है ना, बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इधर हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अक्षत जी, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, बताओ। तो क्या आप हैंडल करते हो बेदी ट्रैवल? मैं मैनेज ऑपरेशंस कर रहा हूं। ओके, तो सर अभी हमारा मुंह मीठा यहाँ पे करवा रहे हैं क्योंकि आज फर्स्ट रन है दिल्ली से, तो इसलिए चॉकलेट बस में बांटी जा रही है। थैंक यू सो मच सर। सो मजनू का टीला से निकल के फाइनली अभी हमने एंट्री कर ली है देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे यानी NH 44 पे, जो कि जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी। तो सफर अभी होने वाला है मक्खन, क्योंकि हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे पे। टाइम हुआ 10:15, बस अभी रुकी है हवेली मूठल, और क्योंकि घर से खाना खा के नहीं आया था तो भूख अभी बहुत जोरों शोरों से लग रही है। तो चलिए जी अंदर चलते हैं और पेट का काम 25 कर लेते हैं। बाकी ये पीछे देख लो वॉल्वो खड़ी है, इंडिया की पहली
आई शिफ्ट मल्टी एक्सएल भाई साहब 9600। बाकी पेट का काम 25 के लिए आया हूं, 25 बहुत जरूरी है भाई, मेरे को बहुत भूख लग रही है। आप तो नहीं खा के ना आज भी डालो, पेटेंट करवा लो इसको तो भाई साहब, कॉपी राइट ले लो, बाकी मेरे को हल्का फुल्का देते रहना। तो भाई साहब सारे भाई लोग इधर अपने खड़े हैं, चले जी कुछ खाए। तो जैसा आपको बता रहा था कि देखो वॉल्वो के ऊपर भी बैचिंग हो रखी है, इंडिया फर्स्ट वॉल्वो 9600 आई शिफ्ट मल्टी एक्सल। और देखो ये सामने है बेदी ट्रेवल की B8R जो कि जा रही है दिल्ली से बिर। जी ये है हवेली का कुछ मेन्यू, काफी सारे आइटम अवेलेबल है वैसे तो। ये देखो और मेन्यू देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या ऑर्डर करते हैं, जो भी ऑर्डर करते हैं आपको बताते हैं। ऑर्डर करने से पहले यहाँ की एम्बियंस और यहाँ की वाइब देखो, मतलब हवेली के जितने भी रेस्टोरेंट रहते हैं ना बहुत ज़बरदस्त रहते हैं, और उसी तरीके से ये मूर्थल वाला हवेली भी काफ़ी शानदार है। तो जी अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर करे हैं 2 स्टफ पराठे ₹110 और 2 पनीर पराठे ₹135। पनीर पराठा मेरा कौन सा? और बाकी यहाँ पे मिर्च देखो किस टाइप से आपको मिर्च परोसी जा रही है टूथपिक में लगा के, कौन खाना चाहेगा? ये खाने वाली लग नहीं रही मुझे। मतलब आप ट्राई करना चाहोगे, आप ट्राई करना चाहोगे? तो जी पनीर पराठा अपना आ गया है, ये रहा पनीर पराठा, ये रहा मक्खन आपका भी पनीर पराठा, और उधर 2 स्टफ पराठे आलू प्याज। ओके, और एक पराठा और मंगवाया ना, कौन सा मंगवाया? गोभी तो आ गया बट एक गायब कैसे हो? नहीं ये आलू प्याज है, गोभी है मेरा, आलू प्याज है तो गोभी है। अच्छा एक पराठा और मंगवाया शायद अभी, अच्छा तो मेन बात है कि पराठा भी आ गया पनीर पराठा, और इसको खाते हैं देखते हैं टेस्ट कैसे। वैसे हालांकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी खाया हुआ है लेकिन ठीक है, इस बार भी टेस्ट देखते हैं कि किस टाइप का ये पराठा है। तो जी खाना वगैरह खा लिया, हाँ जी कैसा लगा खाना? खाना बढ़िया लगा मुझे, खाना ठीक था लेकिन थोड़ा ओवर प्राइस था। ओवर प्राइस तो बहुत था, और थोड़ा नहीं ओवर प्राइस बहुत है। ठीक है पेट का काम 25 हो गया काफी है। क्यों 9933 एंड नो 993। चलिए जी अभी खाना वाना खा लिया है, चलते हैं बस में और सफर को करते हैं कंटिन्यू। करके हमने एंट्री ली थी हरियाणा में, और हरियाणा में हमने डिनर हॉल्ट लिया था मूर्थल में। उसके बाद हमने क्रॉस करा पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र अंबाला, और अंबाला के बाद अभी ऑफिशियली हमारी एंट्री हो गई है पंजाब में, और पंजाब में अभी हम चल रहे हैं मोहाली डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि इस बस के रूट में चंडीगढ़ नहीं आता है इसलिए हमने चंडीगढ़ को बार बार से क्रॉस कर लिया, और अभी हम पहुंचे हैं साहिबजादा अजीत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। तो जी साहिबजादा अजीत सिंह नगर के बाद हमने क्रॉस करा खरड़ कुरली, और अभी रूपनगर को जस्ट पीछे छोड़ के हम निकल गए हैं नूरपुर की तरफ, और यहाँ से सीधा ये रोड पकड़ के हम कहीं ना कहीं निकल जाएंगे ऊना के आसपास, तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। सो टाइम इज़ 3:24 AM और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में। जगह है संतोषगढ़ और डिस्ट्रिक्ट है ऊना, और इसके बाद अभी हम पहुंचेंगे ऊना की तरफ, और फिर वहां से आगे निकलेंगे अम्ब, यहां से बेसिकली शुरू होगा फिर पहाड़ों वाला रास्ता। तो जी टाइम हुआ है 4:10 और बस ने हॉल्ट लिया है 10 मिनट के लिए अम्ब में, और ढाबे का नाम है गौतम वैष्णो ढाबा। तो यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो लेते हैं और फिर सफर को करते हैं कंटिन्यू।
मीन्स 6:15 AM और हम पहुंच गए हैं अभी कांगड़ा। और वैसे आपको बता दूं कांगड़ा फेमस है अपने कांगड़ा फोर्ट के लिए और कांगड़ा देवी मंदिर के लिए, जिसको कि नगरकोट मंदिर भी बोला जाता है। और बाकी बात करें नज़ारों की तो यार क्या नज़ारों वाली जर्नी चल रही है, मतलब यार मज़े आ रहे हैं पूरे अल्टीमेट। तो जी हम अभी पहुंच गए हैं गग्गल, जहां पे धर्मशाला का गग्गल एयरपोर्ट भी सिचुएटेड है। तो टाइम इज 7:00 इन द मॉर्निंग और मैं पहुंच गया हूं अभी धर्मशाला। तो करीबन 10.5 घंटे की जर्नी करके हम यहां पहुंचे हैं धर्मशाला। और मेरा होलिया देख के आपको समझ आ गया होगा कि धर्मशाला में अभी कैसा मौसम है। तो बढ़िया अच्छी खासी ठंड यहां पे हो रही है, क्योंकि बारिश भी हुई है तो बारिश ने ठंड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। बाकी सफ़र की बात करें तो सफ़र था ज़बरदस्त, क्योंकि सफ़र था वॉल्वो का और वॉल्वो का सफ़र हमेशा रहता है आरामदायक। ऊपर से वॉल्वो 9600 हो तो फिर भाई साहब क्या ही कहने। तो बेदी ट्रैवल ये नई वॉल्वो 9600 दिल्ली से धर्मशाला के लिए, तो मैं भाई साहब आपको जबरदस्त तरीके से रिकमेंड करूंगा। और बाकी बात करें धर्मशाला के मौसम की तो यार क्या जबरदस्त मौसम है। कैसा लगा भाई यहाँ का मौसम? एक नंबर ना। ऊपर से जो क्लाउडी सा वेदर हो गया ना, मतलब ऐसा लग रहा है बादल बिल्कुल नीचे ही आ गए हैं। जबरदस्त मौसम हो रहा है ना, अच्छी खासी बारिश हो रही थी अभी, अब तो मन तो कर रहा है कि 3-4 दिन यहाँ रुको, लेकिन वापस जाने का प्लान है। तो फिर आपने टिकट करा दी, अब क्या क्या करें यार, आगे भी कुछ प्लान्स हैं तो वो एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, इसलिए वापस भी आज ही निकलना पड़ेगा। और क्योंकि शाम को निकलना है तो शाम तक का टाइम हमारे पास मौजूद है, तो सोचा कि इस शाम तक के टाइम को थोड़ा सा सदुपयोग कर लेते हैं। तो मैं अभी खड़ा हूँ धर्मशाला स्काई वॉक के सामने, तो सोचा कि एक बार स्काई वॉक भी ट्राई कर लेते हैं और मैक्लोडगंज भी हो आते हैं। तो टाइम हो रहा है अभी 9:15, एंट्री ओपन होगी 9:30 और स्काई वॉक यहाँ से शुरू होता है 10:00। बाकी टिकट फेयर के बारे में आपको बता दो, अभी मैंने टिकट फेयर पता कर लिया था। टिकट फेयर की बात करें तो 425 रुपीज़ फॉर वन साइड एंड 650 रुपीज़ फॉर टू साइड। और ये जो दो साइड की टिकट अगर आप लेते हो तो ये 3 दिन तक वैलिड होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो मैक्लोडगंज में जाके स्टे लेते हैं, वो तो स्काई वॉक से जाते हैं तो 3 दिन बाद भी वो वापस लौट के सेम टिकट से आ सकते हैं, अगर उन्होंने आने जाने दोनों की टिकट करा रखी है। तो अभी 9:30 एंट्री होगी, फिर अंदर चलेंगे। तो ये कुछ टिकट है जो अभी मैंने टिकट काउंटर से लिया है। देखो ऊपर धर्मशाला स्काईवे लिखा हुआ है और इसका जो प्राइस हमें पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया 650 रुपीज़ डुअल साइड का रहता है और हम दो लोगों ने टिकट लिए तो 1300 रुपीज़ की टिकट ये हमें पड़ी है। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू, देख रहे हो? और ये सामने से रोप आ रहा, देखो इतने शानदार नज़ारे लग रहे हैं। ऊपर क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं और ये सुंदर शहर दिखाई दे रहा है और इधर से दिखाई दे रहा है पूरा धर्मशाला। बस की पार्किंग भी है। भाई साहब इस स्काई वॉक की इतनी ज़्यादा वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी थी ना, और हमेशा मन करता था कि एक बार यहाँ आके एक्सपीरियंस करूँ, और आज जब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना भाई, अल्टीमेट मज़े आ रहे हैं। और मज़े इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आप पीछे मौसम देख रहे होंगे, पूरा क्लाउड्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, तो जो इसका आनंद है ना वो दोगुना हो गया है। देख रहे हो, वी आर इन द क्लाउड्स। वाओ मैन वाओ, व्हाट अ एक्सपीरियंस। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बस भाई इस सारे ऊपर नहीं जाना, बस
तो जी स्काई वॉक का सफ़र करते हुए मैं अभी पहुंच गया हूं मैकलोडगंज। तो वॉल्वो की जर्नी बढ़िया थी, धर्मशाला और मैकलोडगंज का मौसम बढ़िया था, और ये स्काई वॉक उससे भी ज़्यादा बढ़िया था। तो इस ब्लॉग को करेंगे हम यही रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता ही खाली यार नहीं जाना होता, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।